नमस्ते दोस्तों, क्या आपको भी इंजेक्शन से डर लगता है? क्या आप इंजेक्शन के नाम से ही घबरा जाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हम हमारे आसपास परिवार, घर मोहल्ले में तो ऐसे लोगों से परिचित अवश्य होते हैं जिनको इंजेक्शन का नाम लेते ही उनका बुखार यूं गायब हो जाता है जैसे मानो बिजली जाते ही बल्ब का बुझना, और तो और बुखार कोसों दूर तक नजर नहीं आती। तो इस डर और दर्द को कम करने के लिए हाल ही जापान के त्सुकुबा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक पहनने योग्य नरम रोबोट बनाया है जिसे हाथ में पहनकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। वे इसमें मध्यम गर्मी उत्तेजना के अधीन होने के कारण जो इस रोबोट को पहनता है उसे कम दर्द महसूस होता है। त्सुकुबा विश्वविद्यालय के रिसर्च से यह भी सिद्ध हो गया है जिन लोगों ने इस रोबोट का इस्तेमाल किया उनको कम दर्द हुआ, जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया उनको रोबोट इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों से अधिक दर्द महसूस हुआ। इस रोबोट का परीक्षण करने के लिए शोधकर्ताओं ने दो टीमें बनाई और एक टीम के हाथ में नरम रोबोट द्वारा इंजेक्शन लगवाया गया तथा दूसरी टीम के व्यक्तियों को बिना रोबोट के इंजेक्शन लगवाया गया और उनके हाथ में एक दर्दनाक थर्मल उत्तेजना रखी जिसमें रोबोट नहीं था, और टीम के प्रतिभागियों के लार के नमूने ऑक्सीकॉप्ट और कोर्टिसोल के स्तर को भी मापा जिससे तनाव हार्मोन का पता चलता है। रोगियों द्वारा महसूस किए गए दर्द को विशेष रेटिंग दी गई थी और मूल्यांकन पैमाने का उपयोग करके भी दर्ज किया गया था। अध्ययन में शामिल लोगों को पहनने योग्य रोबोट के डर का अध्ययन करने के लिए एक सर्वेक्षण परीक्षण दिया गया था जिससे यह साबित हो गया कि रोबोट को पकड़कर इंजेक्शन लेने वाले मरीजों के तनाव व दर्द में कमी आई, वे बिना रोबोट को पकड़े इंजेक्शन लेने वाले मरीजों को अधिक दर्द हुआ। त्सुकुबा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और वरिष्ठ लेखक फुमिहाइड तनाका ने कहा, हमारे नतीजे बताते हैं कि पहनने योग्य नरम रोबोट का उपयोग डर को कम कर सकता है और साथ ही टीकाकरण सहित चिकित्सा उपचार के दौरान दर्द की धारणा को कम कर सकता है। इसे वैज्ञानिकों ने रिलेबो नामक नाम दिया है। इसी प्रकार की साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।